गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारे 3 सीज़र हो चुके हैं, 2 सीज़र हो चुके हैं, इसके बाद हमें बच्चा चाहिए, तो क्या हम IVF करवा सकते हैं? यह पॉसिबल है? मतलब पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरी भी हो चुकी सीजर से? यस। और अभी फिर से बच्चा नहीं हो रहा तो IVF कराना है कि नहीं? यस, आप बिल्कुल करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास भी ऐसे पेशेंट काफ़ी आते हैं और मोस्टली ये पेशेंट फर्टाइल होते हैं और इनमें सक्सेस रेट थोड़ा, जो इनफर्टाइल जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे थोड़ा बेहतर होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चेदानी में बच्चा पलता है अंदर, सीजर करते समय इधर पे एक कट लगाया जाता है, फिर हम बच्चे को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब जब ये प्रेगनेंसी खत्म होती है तो जो बच्चेदानी यहां पर एक स्कार होता है, मतलब एक कट को जब वो हील होता है तो उसको स्कार बोलते हैं। जब भी ये लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सिंगल वाले जो सेकंड सेक्शन हम करते हैं, दूसरा सीजर करते हैं, तो ये बच्चेदानी फिर बढ़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि जहां पर ये स्कार होता है यहां पर ये बहुत पतली हो जाती है, जस लेयर, ये जो पतली जगह है यहाँ पर रप्चर होने का खतरा रहता है। रप्चर मतलब फूटने का, वो एक बहुत इमरजेंसी होती है कई बार। और ऐसा भी देखा हूँ मैं कि बच्चा यहाँ से ना निकल के रप्चर होके पेट के अंदर ही आ गया। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है ऐसे केसेस में जिसमें कि पहले सीजर हुआ हो, तो 6-4 महीने में वो स्कार बन जाता है, वहाँ पर हील हो जाता है, जैसे हाथ में कट जाए तो उसके बाद एक दाग पड़ जाता है और चमड़ी जुड़ जाती है, ऐसे ही इस मसल भी जुड़ जाती है। पर ये मसल जब बच्चा पेट में आता है तो ये फिर से खींचती है, और डिलीवरी के समय चूंकि इसमें संकुचन होते हैं तो इसमें ये चूंकि यहाँ पर एक कमजोरी है तो यहाँ रप्चर होने का खतरा रहता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये पेशेंट हमारे पास IVF कराने आते हैं तो हम उनकी बच्चेदानी के बाजू में जो अंडाशय है उसमें से हमने अंडे निकाल लिए, क्योंकि उसके अंडे तो बनते हैं यदि AMH वगैरह ठीक है। हमने उस अंडे को कन्वेंशनल IVF या ICSI से भ्रूण बनाया और सपोज उसके 3-4 ब्लास्टोसिस्ट बन गए। नॉर्मली हम 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं। अब ऐसे केसेस में यदि हमने 2 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर किए तो प्रेगनेंसी के चांस थोड़े तो बढ़ेंगे, बट ये जो यूट्रस रहेगा, इस यूट्रस का जो टेंशन होगा 2 बच्चे के कारण, ये थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसमें रप्चर होने का या बच्चेदानी इंजरी होने का, फूटने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए हमको जिनमें सीजर हुआ रहता है अधिकतर, हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी सक्सेस रेट अच्छा होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जिनका 2 सीजर हो चुका, 3 सीजर हो चुके हैं, उनका IVF करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको समझना पड़ेगा कि उनका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा और यदि एम्ब्रियो एक्स्ट्रा बनते हैं तो उनका फ्रोजन एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराना पड़ेगा यदि वो रखना चाहते हैं। ट्विंस होने से बचना चाहिए ताकि बच्चेदानी में इंजरी ना हो जब वो डिलीवरी का समय आए और पूरे दिन की डिलीवरी हो सके, प्रीमैच्योर निकालना ना पड़े बिकॉज कई बार यूट्रस में प्रॉब्लम होने के कारण। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।